1990 के दशक में मुंबई बंबई के नाम से जाना जाता था। ये वो दौर था जब बॉलीवुड का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन रोज अखबार की सुर्खियों में छपा होता था। बड़े बड़े लोगों से प्रोटेक्शन के नाम पर एक्सट्रॉशन मनी लेना एक आम बात थी, और अगर किसी ने पैसा देने से मना किया तो गेम ओवर, चैप्टर क्लोज। 12 अगस्त 1997 के दिन कुछ ऐसा ही हुआ। कैसेट किंग कहे जाने वाले टीसीरीज म्यूजिक के संस्थापक गुलशन कुमार के साथ फिल्म के किसी सीन की तरह मंदिर के बाहर निकलते ही उन्हें 16 गोलियां दाग कर मौत के घाट उतार दिया गया। कहा जाता है कि कत्ल के पीछे अंडरवर्ल्ड था, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी इस साजिश में शामिल थे जिसे गुलशन कुमार ने खुद बनाया था। तो दोस्तों, सवाल ये उठता है कि क्यों अपने ही उनकी जान के दुश्मन बन गए। दोषी होने के बाद भी उन्हें सजा क्यों नहीं हुई, और वो आज भी खुलेआम अपनी जिंदगी कैसे जी रहे हैं। आज फैक्टिफाइड की इस वीडियो में हम गुलशन कुमार की इस मर्डर कॉन्स्पिरेसी का ए टू जेड जानेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। Facts on your face. दोस्तों, टी सीरीज 200 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स के साथ दुनिया का सबसे ज्यादा सब्सक्राइब्ड यूट्यूब चैनल है। वैसे चाहो तो दोस्तों क्या नहीं हो सकता। किसने सोचा था एक जूस बेचने वाला लड़का एक दिन गुलशन कुमार बन जाएगा और म्यूजिक इंडस्ट्री में उसके नाम की तूती बोलेगी। मिड 90s इंडिया का वो समय था जब रिलीज होने वाले टोटल गानों में से 65% के राइट सिर्फ गुलशन कुमार के पास थे, जो ना सिर्फ खुद ब्रांड बने बल्कि सोनू निगम, कुमार सानू और अनुराधा पौंडवाल जैसे आम सिंगर्स को भी स्टार बना दिया। दोस्तों, आप में से कई लोगों को ऐसा लगता होगा कि गुलशन कुमार खानदानी रईस थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसीलिए गुलशन कुमार की मर्डर मिस्ट्री से पहले आपको ये बताते हैं कि गुलशन दुआ कैसे बने गुलशन कुमार। गुलशन कुमार दोस्तों एक बहुत ही आम परिवार से थे। उनके पिता दिल्ली के दरियागंज में जूस की एक दुकान चलाते थे, और गुलशन कुमार भी अपने शुरुआती दिनों में उनके साथ ही जूस की दुकान संभाला करते। लेकिन फिर उन्होंने एक नई दुकान खोली और कैसेट बेचना शुरू किया, साथ ही वो टेप रिकॉर्डर और रेडियोज की मरम्मत भी किया करते। फिर उस दुकान से उन्हें ख्याल आया कि क्यों ना खुद ही म्यूजिक कैसेट से बनाई जाए, और इसी ख्याल के साथ उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में पांव रखा। फिर धीरे धीरे उन्होंने नोएडा में अपना स्टूडियो बनाया और निकल पड़े ऐसे सफर पर जो उन्हें सक्सेस और शोहरत की बुलंदियों तक ले जाने वाला था। म्यूजिक की दुनिया में उन्होंने भक्ति के गानों से शुरुआत की। वह गाने के लिए हमेशा नई नई प्रतिभाओं को मौका देते जिनकी आवाज अच्छी हो पर कोई नाम ना हो। फिर उनके गानों को रिकॉर्ड कर उनकी कैसेट से मार्केट में लाते। गुलशन कुमार की कोशिश रहती कि कैसे भी कैसेट से सस्ते में मिले, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग उनके गानों को सुन सके। और ऐसा हुआ भी। जहां दूसरे गाने के कैसेट मार्केट में 25 से 30 रुपए में बिकते थे, वही टी सीरीज के कैसेट सिर्फ 10 रुपए में। धीरे धीरे लोगों को गाने भी पसंद आए और सिंगर्स की आवाज भी। फिर गुलशन कुमार ने अपने कारोबार को और आगे बढ़ाया और टी सीरीज फेमस होता चला गया। साथ ही अनुराधा पौंडवाल, कुमार सानू और सोनू निगम जैसे कई सिंगर्स भी फेमस हुए। और दोस्तों, सिंगर्स ही नहीं, गुलशन कुमार ने नए नए म्यूजिक डायरेक्टर्स को भी मौका दिया। उन्हीं में से एक जोड़ी काफी मशहूर हुई, जो थी नदीम और श्रवण की जोड़ी, जिन्होंने आशिकी, साजन और दिल है कि मानता नहीं जैसी फिल्मों में संगीत देकर खूब प्रसिद्धि कमाई। पर दोस्तों, गुलशन कुमार की एक खासियत थी, जब उनके साथ काम शुरू करने वाला कामयाबी के मुकाम तक पहुंच जाता तो गुलशन कुमार उनसे किनारा कर लेते और फिर से नए लोगों को मौका देकर उन्हें निखारने लगते। लेकिन शायद नदीम सैफी ने उन्हें गलत समझा और वो सोचने लगे कि गुलशन कुमार उनका करियर खराब करना चाहते हैं। हुआ ये कि नदीम ने कुछ गाने गाए, हालांकि वे म्यूजिक डायरेक्टर बहुत अच्छे थे, लेकिन सुर में उनका हाथ तंग था। गुलशन कुमार ने उन्हें सलाह भी दी कि नदीम तुम गाने मत गाओ, लेकिन वो कहां मानने वाले थे। पुराना साथ और दोस्ती के कारण गुलशन कुमार ने उनके कुछ गानों को प्रमोट किया, पर उसका कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं आया, गाने पिट गए और कंपनी को घाटा भी हुआ। फिर गुलशन कुमार ने उनके गानों को प्रमोट करना बंद कर दिया, साथ ही राइट्स लेने भी बंद कर दिए, क्योंकि उस समय टी सीरीज म्यूजिक इंडस्ट्री में किंग था, और अगर वो किसी गाने के राइट्स नहीं खरीदता था तो म्यूजिक के चलने के चांसेस बहुत कम हो जाते थे। और नदीम को यही बात खटक गई कि ना तो अब गुलशन कुमार उसे काम दे रहे हैं
और न ही उसे प्रमोट कर रहे हैं। बात 1996 की है। दोस्तों ये वो दौर था जब बड़े लोगों से गैंगस्टर प्रोटेक्शन के नाम पर एक्सटॉर्शन मनी लिया करते थे। अंडरवर्ल्ड के डॉन अबू सालेम ने भी गुलशन कुमार से जान की सलामती के लिए पैसे मांगे। ये रिकॉर्ड पर तो नहीं है, लेकिन माना जाता है कि उन्होंने एक बार पैसे दे भी दिए थे। लेकिन अबू सालेम के कहने पर उन्होंने नदीम के गाने को प्रमोट करने से मना कर दिया। 5 अगस्त 1997 को गुलशन कुमार को फिर एक कॉल आया, और ये कॉल भी अबू सालेम ने ही किया था। गुलशन कुमार से उन्होंने इस बार 10 करोड़ रुपए की मांग की, साथ ही नदीम के गाने को प्रमोट करने को भी कहा। कहा जाता है कि गुलशन कुमार ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया और ये भी कहा कि नदीम के गाने फ्लॉप हैं। लेकिन अबू सालेम नहीं माना और उनको जान से मारने की वार्निंग दे दी। इस बात को गुलशन कुमार ने अपने भाई को बताया, जिस पर उन्होंने पुलिस में जाने की सलाह दी। लेकिन गुलशन कुमार ने सोचा कि क्यों पुलिस में जाकर इस बात को बढ़ाया जाए, पर बात यही नहीं रुकी। अबू सालेम ने दोबारा कॉल किया और कहा कि ना तुम पैसे दे रहे हो और ना ही पुलिस में जा रहे हो, लगता है तुम अंडरवर्ल्ड को सीरियसली नहीं लेते, अब अपनी जान जाने के जिम्मेदार तुम खुद ही होंगे। कहा जाता है कि गुलशन कुमार ने उन्हें पैसे देने से ये कहकर मना किया था कि तुम्हें पैसे देने से अच्छा है मैं इसका वैष्णो देवी में भंडारा करवा दूं। फिर दोस्तों ऐसी ही कुछ कॉल्स पर बहसबाजी के बाद दिन आया 12 अगस्त 1997 का, जब रोज की तरह उस दिन भी गुलशन कुमार जितेश्वर महादेव के मंदिर में पूजा करने गए। चूंकि गुलशन कुमार काफी धार्मिक मिजाज के थे, तो वो जब भी मुंबई में होते तो वे सुबह शाम उस मंदिर में जरूर जाते, और इसी बात का फायदा उठाया गया। उस दिन उनके साथ उनका सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं था क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। फिर जैसे ही गुलशन कुमार मंदिर से बाहर आए, किसी फिल्मी सीन की तरह उन पर धड़ाधड़ 16 गोलियां दाग दी गई। उनके ड्राइवर ने उन्हें बचाने की कोशिश भी की, लेकिन वो खुद भी घायल हो गया। वहां से उन्हें अस्पताल तो ले जाया गया, लेकिन तब तक वो दम तोड़ चुके थे। दोस्तों उनके कत्ल की खबर के बाद हर तरफ सनसनी छा गई और पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री सहित बॉलीवुड गम के साए में आ गया। उनके पार्थिव शरीर को उसी शाम दिल्ली लाया गया, जहां वो सभी मौजूद थे जिन्हें गुलशन कुमार ने ही बनाया था, लेकिन नदीम नहीं, क्योंकि वो देश छोड़कर यूनाइटेड किंगडम भाग चुका था। पुलिस की काफी छानबीन के बाद एक के बाद एक तीनों शूटर्स पकड़े गए जिन्होंने गुलशन कुमार पर गोलियां बरसाई थी, जावेद रफीक और मुख्य शूटर दाऊद मर्चेंट, जो अब अबू सालेम और दाऊद के खास थे क्योंकि अबू सालेम उस वक्त दाऊद के लिए ही काम करता था। उनसे पूछताछ में पता चला कि गुलशन कुमार की मर्डर की कहानी मई 1997 से ही लिखी जा रही थी, जब दुबई में दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम के दफ्तर में अनीस, अबू सालेम और कयूम नाम के गैंगस्टर के बीच एक मीटिंग हुई थी, जिसमें अबू सालेम ने बताया कि गुलशन कुमार बात नहीं मान रहा, पैसे भी नहीं दे रहा और नदीम के गाने को प्रमोट करने से भी मना कर रहा है। दोस्तों इसके अलावा पूछताछ में एक और नाम भी निकल कर आया जिसने सबको चौंका दिया, और वो नाम था टिप्स म्यूजिक कंपनी के मालिक रमेश तौरानी का, जिसने गुलशन कुमार के मर्डर के बाद शूटर को 25 लाख रुपए दिए थे, जिसके बाद तो गुलशन कुमार के मर्डर मिस्ट्री में कई लच्छेदार कहानियां बुनी जाने लगी। कुछ साल बीते फिर वक्त आया वर्डिक्ट का, और वर्डिक्ट में सिर्फ मेन शूटर को ही उम्र कैद की सजा हुई। फांसी इसलिए नहीं हुई क्योंकि उसने किसी और के कहने पर कत्ल किया था, बाकी रमेश तौरानी और अन्य सभी को सेशन कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया क्योंकि पुलिस कुछ पुख्ता सबूत जुटा ही नहीं पाई थी और नदीम का इंतजार पुलिस करती ही रह गई। लेकिन उसके बाद वो आज तक भारत लौटकर नहीं आया। भारत सरकार ने प्रत्यर्पण संधि के तहत कोशिश भी की, लेकिन पुख्ता सबूत न होने के कारण वहां की सरकार ने नदीम को नहीं सौंपा। वहीं अबू सालेम भारत तो आया, लेकिन उस पर गुलशन कुमार के मर्डर का मुकदमा चला ही नहीं क्योंकि पुर्तगाल से जिस केस पर मुकदमा चलाने के लिए उसे भारत लाया गया, उसमें गुलशन कुमार मर्डर केस का जिक्र ही नहीं था। कुल मिलाकर इस पूरे मर्डर केस में सिर्फ मेन शूटर को ही सजा हुई, जिसके बाद उसने कई बार माफी याचिका डाली, लेकिन अलग अलग कोर्ट्स ने सजा को बरकरार रखा। आज भले ही गुलशन कुमार नहीं है, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है, और टी सीरीज आज भी भारत की नंबर वन म्यूजिक कंपनी है, जिसे उनका बेटा भूषण कुमार और बेटी तुलसी ने बखूबी संभाला है, और आज भी भारत के अधिकांश घरों की सुबह गुलशन कुमार के भक्ति गानों से ही शुरू होती है। और सबसे खास बात कि उनके द्वारा शुरू किया गया वैष्णो देवी में श्रद्धालुओं के लिए भंडारा आज भी वैसे ही चलता है,
जैसा उन्होंने शुरू किया था। दोस्तों, गुलशन कुमार एक ऐसी शख्सियत थे जिन्हें मिटाने से भी खत्म नहीं किया जा सकता, इसीलिए वो आज भी लाखों लोगों की यादों में जिंदा है। तो दोस्तों, आज की इस मर्डर और कॉन्स्पिरेसी से भरी हुई स्टोरी में फिलहाल इतना ही। मैं फिर आऊंगा लेकर ऐसी ही और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तब तक अपना अपने चाहतों का ख्याल रखें, खुश रहें, और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।